बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल आईकॉम मैथ्स चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं। इसके 37 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, इसके बाद 38 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है डिवाइड करना, इसमें हमने पिछले क्वेश्चन हमने इनको ऐड किया, इनकी सब्ट्रैक्शन की, इनको मल्टीप्लाई किया, अब इनको डिवाइड करेंगे। 11001 बेस 2 डिवाइड बाई 101 बेस 2, इसको डिवाइड करना है 11001 को 101 से, बेस 2 इनकी है दोनों की, डिवाइड करेंगे तो ये है 101, 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 101 आ जाएगा, माइनस करेंगे इनको, इधर से कैरी इधर लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 1 निकालेंगे तो ये आता है 9, क्योंकि हमारी बेस 2 है तो उसे इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 12 8 और 1 9, 1 लगाएंगे हम इसके नीचे, 1 आ गया, और 4 इसको छोड़ देंगे, कैरी नहीं लेते इसमें जब माइनस करते हैं, इधर रह गया 0 क्योंकि हमने इधर से एक कैरी इधर ले लिया था, इधर रह गया 0, 0 में 0 निकाला तो 0, 1 - 1 0, यानी इधर वाली दोनों वैल्यूज 0 हैं, उनको लगाने का फ़ायदा कोई नहीं। अब इसको उतारेंगे नीचे, अब देखें इसको जब नीचे उतारेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन 101 बड़ा है वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, अगर डिवाइड नहीं करता होगा तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा दिया करेंगे, ये जीरो आ गया यहाँ पर, अब मजीद इसको नीचे उतार लेंगे, ये भी आ गया, अब ये इसको डिवाइड कर सकता है, ये 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आ गया 101, अब इनको माइनस करें, 1 - 1 0, 0 - 0 0 और 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 101 बेस 2, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमें मिला 101 बेस 2। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, 1 पे इसको कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया इसका, इसको तो ये आ गया 1001, माइनस करेंगे इनको, 1 में से 1 निकालेंगे 0, ये भी 0, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 1 - 0 से ये 1 आ गया, ये 1 - 1 0 आता है, इधर 0 लगाने का फायदा कोई नहीं होना, ज्यादा हम नहीं लगाएंगे इसको। अब इसको उतारेंगे नीचे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, अब ये इसको डिवाइड कर सकता है, ये आ जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1001, तो ये 1 - 1 0 0 0 0 आ जाएगा, इधर ये सारे 0 आते हैं, हमारे पास अभी ये 0 बचता है, इसको नीचे उतारना है, इसको भी नीचे उतार लिया, तो अब ये 0 से जा सकता है, हम 0 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये 0 आ जाएगा, ये बात खत्म होगी यहाँ तक, ये आ गया 110 बेस 2, ये हमने डिवाइड किया इसको, ये आ गया 110 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 40 ये है 111 डिवाइड करना है इसको 110 10 से, 110 10 से, तो ये 1 से जा सकता है, 1 पे इसको करें, इसको मल्टीप्लाई किया 1 को इसके साथ, ये आ जाएगा 110 10 0, माइनस करेंगे, 1 में 0 निकाला तो 1, इधर से 0 से 1 नहीं निकल सकता, इधर से कैरी लिया इधर, तो इधर आ गया 0, ये बन गया 10, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आता है, 9 क्योंकि हमारी बेस 2 है, 2 4 12 8 और 1 9, इसके नीचे लगाएंगे 1, अब यहाँ पे बचा 0 - 0 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, इधर वाली तीनों वैल्यू 0 हैं तो उनको लगाने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद इसको उतारेंगे नीचे, 1 को लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, अगर वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता तो उसको हम लगाएंगे 1 0, अब इसको उतार लेंगे नीचे, ये आ जाएगा हमारे पास 1, तो अभी भी वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये हमारा बन जाएगा 10 बेस 2 इसका आंसर आ गया, और ये रिमाइंडर बच गया, विद रिमाइंडर इसमें रिमाइंडर भी बच गया, पूरा पूरा ये डिवाइड नहीं हुआ, विद रिमाइंडर 111 बेस 2, ये इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 41, ये भी इसी तरह से है, ये है 101 10 101 10 101 10 101 10 101 10 डिवाइड करेंगे तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 101 10, तो 0 में से 0 निकालेंगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये इधर सारे 0 आ जाते हैं तो उनको लगाने का हमें कोई फायदा नहीं होना,
तो अब इस वन को नीचे उतारेंगे, वन को लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन ये तो बड़ा है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता, नहीं करता डिवाइड, तो उसका एक जीरो लगा लेंगे इधर, फिर उतारेंगे इसको, तो ये बन गया वन वन। अब भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ा है इससे, लिहाजा नहीं डिवाइड करता, तो उसका एक जीरो लगाएंगे। आगे चलते जाएं और इसको नीचे उतारते जाएं, इसको भी नीचे उतारा, अब भी वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो एक और जीरो लगाएंगे। उसके बाद रह गया ये, तो अब भी ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका हम लगाएंगे एक जीरो। यहाँ पर ये एक जीरो मिस हो गया दरमियान से, ये भी उतारना था नीचे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये वाला जीरो भी उतारना है यहाँ पर, वो एक दरमियान में से रह गया, तो इसको भी उतारेंगे नीचे। तो ये वन आया है, वन को ये डिवाइड नहीं करता, उसका एक जीरो लगाएंगे, ये जीरो लगा लिया, इस जीरो को उतारा नीचे, अब भी वो इसको डिवाइड नहीं करता, एक जीरो लगाएंगे, जब डिवाइड नहीं कर सकता होगा तो उसका एक जीरो लगा लिया करेंगे। ऊपर से नीचे उतारते जाएं, अब वन को नीचे उतारा, फिर भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो एक जीरो लगाएंगे। उसके बाद इसकी बारी आ गई, इसको नीचे उतारेंगे, अब भी उसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका भी एक जीरो लगाएंगे। बाकी रह गया ये वाला जीरो, इसको नीचे उतार लिया, अब ये इसको डिवाइड कर सकता है वन से, वन से इसको मल्टीप्लाई किया, टेन वन वन जीरो, इनको माइनस करेंगे तो बाकी कुछ नहीं बचा, तो हमारा आंसर आ गया 100001 बेस टू। इसमें बस एक बात आपने याद रखनी है, जहाँ पर डिवाइड नहीं करेगा उसका एक इधर जीरो लगा लिया करना है। बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।